हाय फ्रेंड्स, बीसीडी टेक के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह है रियलमी XT। आज दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस फोन का बैक पैनल उतारा जाता है और कैसे इस फोन की बैटरी को डिस्कनेक्ट किया जाता है। तो चलिए खोलते हैं रियलमी XT को। मैं हूं डॉक्टर भुवेश और आप देख रहे हैं बीसीडी टेक यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक BCD Tech को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी YouTube ऐप पर सर्च करें BCD Tech और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। दोस्तों, इस फोन को खोलने से पहले करना होगा इस फोन को बंद। पावर बटन पर लंबा प्रेस करते हैं और उसके बाद कर देते हैं इस फोन को ऑफ। और जैसे दोस्तों ये फोन ऑफ हो जाए, निकाल देते हैं इस फोन की सिम ट्रे को बाहर। और उसके बाद दोस्तों मैं इस फोन के इस बैक पैनल को उतारूंगा। यहाँ पर दोस्तों ये जो बैक पैनल है ये ग्लास का है और यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडहेसिव से इसको चिपकाया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे इस एडहेसिव को लूज़ करना होगा। मैं हॉट एयर स्टेशन से इसको गर्म कर देता हूँ या फिर मैं इसको हॉट प्लेट को ऊपर रख कर भी गर्म कर सकता हूँ, फर्नेस के अंदर भी डाल के गर्म कर सकता हूँ। अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस पर मैं इसको गर्म कर रहा हूँ इस समय। और जैसे दोस्तों इस फोन का जो बैक पैनल है वो गर्म हो जाए, सफिशेंटली गर्म हो जाए, तो मैं यहाँ पर दोस्तों सक्शन कप की हेल्प से इस बैक पैनल को पकड़ लेता हूँ और उसके बाद दोस्तों खींच के यहाँ पर सेपरेशन क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो तो यहाँ से जो ग्लास है वो उठ रहा है और इस सेपरेशन पर मैं अपना ये जो प्राइम टूल है प्लास्टिक का इसको डाल देता हूँ। तो यहाँ पर सेपरेशन क्रिएट हो गया है और दोस्तों यहाँ पर मैं ग्लास को और गर्म कर लेता हूँ और उसके बाद दोस्तों इस प्राइम टूल को आगे बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर अगर ग्लास अच्छे से गर्म होगा तो ये जो प्राइम टूल है ये आराम से आगे की साइड को बढ़ेगा। और अगर दोस्तों आपको बढ़ाने में दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पर आइसो प्रोपाइल अल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हो, पेट्रोल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी दोस्तों आपके पास अवेलेबल है आप उसको डालिए। ज़्यादा मत डालिए, हल्का सा डालिए और प्राइम टूल को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर ध्यान रखें, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत आराम से बहुत धीरे धीरे आपको प्राइम टूल को आगे बढ़ाना है। और कहीं पर भी अगर आपको रुकावट लगे तो तुरंत ग्लास को गर्म करना है ताकि जो एडहेसिव है वो हमारा ढीला पड़ जाए और जो ग्लास है वो उठ जाए। तो यहाँ पर फिर से मुझे गर्म करना होगा, थोड़ा सा यहाँ पर अल्कोहल को भी लगा देते हैं। तो ये जो प्राइम टूल है ये पूरा घूम गया है। तो इस फ़ोन का जो बैक पैनल है आई थिंक वो सेपरेट हो गया है। आइए अब इस सक्शन कप को हटा देते हैं और उठा देते हैं बैक पैनल को। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखें कि ये जो ग्लू है वो कैमरा लेंस के अगल बगल में भी लगी हुई है, तो आपको दोस्तों थोड़ा सा आराम से उठाना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। धीरे धीरे उठाओगे तो इसका जो बैक पैनल है वो निकलता आएगा। तो ये है दोस्तों रियलमी XT का बैक पैनल, प्योर ग्लास का बना हुआ है। आपको इसके ऊपर 3D प्रिंट मिल जाएगा जो कि इस ग्लास के पीछे छापा गया है। यहाँ पर रियलमी का लोगो है, यहाँ पर क्वाड कैमरा सेटअप दिखाया गया है, AI कैमरा लिखा हुआ है। तो ये है दोस्तों इस फ़ोन का बैक पैनल, प्योर ग्लास का है। आइए इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं फ़ोन को। तो यहाँ पर दोस्तों आपको फ़ोन में अब एक फ्रेम मिल जाएगा जो कि आगे वाले LCD फ्रेम से सेपरेटेड है यहाँ से। तो दोस्तों मुझे अब इस प्लास्टिक वाले फ्रेम को उतारना होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्लास्टिक वाला फ्रेम है और ये जो फ्रेम है ये 10 यहाँ पर स्क्रूज हैं और 10 यहाँ पर स्क्रूज हैं, तो इनसे टाइट किया गया है। आइए सबसे पहले इन 20 स्क्रूज को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर मैंने 20 के 20 स्क्रूज को बाहर निकाल दिया है। आइए स्क्रूज को भी साइड कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं इस फ़ोन का ये जो बैक वाला फ्रेम है इसको LCD फ्रेम से सेपरेट करने जा रहा हूँ। तो ये दोस्तों यहाँ से सेपरेट होगा, इसके लिए मुझे एक हार्ड प्राइम टूल की ज़रूरत होगी। आइए अब इस बैक फ्रेम को उतारते हैं। तो यहाँ पर मुझे प्राइम टूल डालना होगा इस ब्लैक और इस ब्लू वाले के बीच में। तो देख सकते हो यहाँ पर सेपरेशन क्रिएट हो गया है, अब इस सेपरेशन को प्रोसीड करना है। तो इस फ़ोन का जो ये वाला बैक फ्रेम है ये अब निकल जाएगा। तो ये है दोस्तों बैक फ्रेम और इस फ्रेम पर आपको कैमरा लेंसेस मिल जाएंगे, साथ में एंटीनास हैं। नीचे की साइड को आपको 3G 4G के एंटीनास मिल जाएंगे और ऊपर की साइड को वाईफाई ब्लूटूथ GPS के एंटीनास हैं। और साथ में दोस्तों आपको इस फ्रेम के ऊपर कैमरा लेंसेस भी मिल जाएंगे। तो अगर आपके फ़ोन में सिग्नल अच्छे से ना आ रहे हों या फिर ये जो कैमरा लेंस है ये टूट जाए, तो ऐसे केस में आप इस पूरे फ्रेम को बदलें।
आप दोस्तों यहाँ पर सेपरेटली कैमरा लेंसेज को भी बदल सकते हो, इसके लिए आपको पुराने लेंस को निकालना होगा और नए लेंस को चिपकाना होगा। तो ये है दोस्तों बैक फ्रेम जिसमें इस फोन के एंटीनास हैं। चलिए अब इसको भी साइड में रखते हैं और देखते हैं फ़ोन को। तो यहाँ पर दोस्तों आपको फ़ोन में तीन सेक्शंस मिल जाएंगे, मदरबोर्ड, बैटरी और सब पीवी बोर्ड। आइए दोस्तों सबसे पहले बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं। तो मैं इस कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करके इस फ़ोन की बैटरी को डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से रियलमी XT की बैटरी को डिस्कनेक्ट किया जाता है। आप यहाँ पर बैटरी का मॉडल पढ़ सकते हो, BLP741 बैटरी का मॉडल है। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे Realme XT की बैटरी को डिस्कनेक्ट किया जाता है। अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वारी है इस वीडियो को लेके, तो आप दोस्तों मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं दोस्तों इस फ़ोन के फुल टीयरडाउन के साथ आपके सामने जल्दी हाजिर हो जाऊंगा। अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि और लोग भी जान पाएँ कि कैसे Realme XT को खोलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।